हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका फिर से स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मैं किसी प्लांट की बात करने के बारे में बात नहीं कर रही, आज तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे अपनी वाइन्स को हम प्लेन, अगर हमारे पास कोई दीवार भी होगी तो उस पर कैसे हम संभाल सकते हैं, क्योंकि बहुत व्यूअर्स की शिकायत रहती है हमारे पास बालकनी है, हम क्या करें, हमारे पास स्पेस कम है। तो उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है तो किस तरह से वो अपनी दीवार के ऊपर ही नीचे पौधे रख के और उसके ऊपर बेलें चढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी मैंने ये किस तरह से बताई, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से कि जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सुमन की बगिया, उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर तो प्लीज कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर कुछ कमेंट्स आए तो वो भी मैं मोस्ट वेलकम करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। उसके लिए मैं छत पे जाके और टेरेस पे दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पूरी वॉल चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये तो मेरे पास ये वाइपर जो हम घर में यूज करते हैं लगाने के लिए वो पड़ा था, टूट गया था, देखिए उसका ये स्टिक है और ये बिजली के काम से बचा हुआ जो पाइप होता है वो है। तो मैं इसके साइज का बनाऊंगी, तो मैं इसको भी इस साइज में, क्योंकि मेरे पास दो तो वाइपर की है नहीं है, तो इसको भी इस साइज में। तो देखिए ये वाइपर के साइज का ये भी मैंने काट लिया, दोनों इक्वल साइज के काट लिए। तो मैं सोचती हूँ इसको मैं ऊपर की साइड कर दूंगी और इसको मैं नीचे, क्योंकि ये हैवी है तो वेट नीचे रहेगा तो वो होल्ड करेगा ताकि वो हिलता नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू। तो स्टार्ट करने के लिए इस तरफ से रस्सी डाली और दूसरे एंड से निकालनी है, लेकिन ये रस्सी निकल नहीं पा रही थी तो मैंने बैम्बू स्टिक की मदद से इसको इस तरह से दबाते हुए, देखिए इधर से रस्सी अब ये आ गई है, तो मैं इसको खींच लूंगी इधर से और वापस इस बैम्बू स्टिक को मैं निकाल लेती हूँ, ध्यान देते हुए कि रस्सी ना आ जाए बाहर। और ये मैं अब ये रस्सी इधर से जाके और इधर से वापस आ चुकी है, अब हम इसको इसी के ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। तो इसको इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे एक कोने से, एक साइड से दूसरी साइड तक। इसको पूरा लपेट लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा लपेट के और यहाँ पे नॉट लगा दिया और इसको ऊपर टांगा है, तो ताकि मैं इसके नीचे जो है नॉट्स लगा के रस्सियां डाल के डाल पाऊंगी और इस तरह से बांध के। अभी ये मैंने टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसको मैं बालकनी में रखूंगी, लेकिन अभी मैं बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि बालकनी में पहले ही इतने प्लांट्स पड़े हैं कि बन नहीं पा रहा था। तो देखिए इस तरह से पूरा बांध के नॉट लगा लिया। अब देखिए मैंने इस तरह से पीसेस काट लिए हैं रस्सी के, आप जितना आपको लंबा चाहिए हो उस हिसाब से ही आप करेंगे। देखिए इसको इस तरह से एक कॉर्नर से डालेंगे और आप देख पा रहे होंगे मैं आपको कई वीडियोस में बता रही थी कि मेरी छत की रिवैम्पिंग हो रही है, तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं अब सारे प्लांट्स भी आपको दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत रहती है, एक किनारा रह गया है बस, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। देखिए इस तरह से हम इसको नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी भी नॉट्स आप जितनी भी दूरी में जिस तरह के भी आप बॉक्स चाहते होंगे उतनी ही आपको नॉट्स लगानी पड़ेंगी। बहुत सुंदर बनता है और इस पे बहुत अच्छे से, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो ये आप ये रस्सी ये लेंगे, ये वाली लेंगे, क्योंकि इसके साथ ये कॉयर की होती है नारियल की हस्क से और इसके साथ आराम से बेल जो होती है वाइन्स होती है वो इसको क्लिंग कर जाती है और बड़ी आसानी से इस पे चढ़ जाती है।
तो देखिए इस तरह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 मैंने रस्सियों को इस तरह से नॉट बना के रख लिया। अब मैं इनको आपस में इस तरह से क्लिंग करूंगी, बांधूंगी, नॉट दूंगी। उसके लिए मैंने देखिए ये इस तरह की पतली रस्सी या कोई तार हो, कोई धागा हो, कुछ भी चलेगा, तो वो ले लूंगी। देखिए और इसको एक यहां से और एक यहां से इस तरह से इनको बांधना होगा। तो ये देखिए जिस तरह इसको बांधा था इसी तरह इन सबको मैंने बांध दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इस तरह से इसको टाई करेंगे। इसको भी इसी तरह से ताकि ये इस तरह बॉक्स बनते जाएंगे। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। देखिए पहली बारी में क्योंकि मैंने 6 रस्सियां ली थी तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बंधी थी। नेक्स्ट टाइम में जब मैं बांधूंगी तो ये 4 हो जाएंगी। और ये जो मैंने यहाँ पे इस तरफ छोड़ा था इसको भी मुझे इसके साथ इस तरह से बांधना पड़ेगा। अब और ऐसे ही उस कॉर्नर में भी बांधना पड़ेगा। तो अब ये बांधने के बाद ऐसे ही उस कॉर्नर में भी बांध लूंगी और अब फिर ये वाला बीच में जो आएगा इसको फिर से इसको छोड़ दूंगी और इसको ले लूंगी। और इस तरह से नीचे तक हमें पूरा जाल बनाना होगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा बनता है। और जब इनके ऊपर बेल चढ़ती है ये उस जगह पे अच्छा लगेगा जहां आपकी वॉल हो। जैसे यहाँ तो बैम्बू है, ये तो मैं वैसे बनाने के लिए टांगा हुआ है, तो जहां पे आपकी वॉल होगी प्लेन वॉल है वाइट या किसी भी कलर की और आप उस पे कुछ वर्टिकल गार्डनिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये बेस्ट वे है। और बेलें चढ़ाना चाहते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉट्स वगैरह वर्टिकली लगाने पड़ेंगे, लेकिन इससे आप अपनी सारी वाइन्स इसके ऊपर नीचे रख के और इसके ऊपर वाइन्स आप इजीली चढ़ा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी जो रखे थे हमारे पास जगह की स्पेस की प्रॉब्लम है, हम बालकनी में कैसे प्लांट्स लगाएं, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है, आए दिन यही मिलता है सुनने में। तो वो लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ईजिली उनके प्लांट्स, मनी प्लांट भी आ जाएगा और जितनी भी वाइन्स फूलों की भी मॉर्निंग ग्लोरी या परिजात जो भी चाहेंगे वही मनी प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है इस पे। इस तरह से करते हुए फिर हम जब नेक्स्ट लेंगे तो अब हम फिर से इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम इधर इसको टाई करेंगे और इसको इस तरह से हम नीचे तक पूरा जाल बना लेंगे। ये देखिए ये जो नीचे लगेगा ये वाइपर वाला मैंने बताया था ना कि इसी वाली स्टिक का डंडा है, इसी पे लपेट रही हूँ। देखिए किस तरह से रस्सी को खोल के इसको मैंने इस तरह से टाइट कर लिया। ये तो आप किसी भी तरह से, बस आपको इसको पूरा डंडी को लपेटना है बस रस्सी के साथ। आपके पास जिस तरह की भी रस्सी हो, अगर बिजली वाली पाइप जैसे मैंने ऊपर डाली थी वैसी हो तो भी चलेगी, अगर ये वाला हो या कोई और हो तो भी चलेगा। देखिए अब इसको इस तरह से लपेट लूंगा। ये देखिए ये पूरी रस्सी इस पे भी
नीचे के लिए जो स्टिक थी, वाइपर वाला स्टिक था, उस पर मैंने लपेट लिया। ये थोड़ा सा ये ब्लू वाला यहाँ पे बच गया क्योंकि नॉट लगाई, इस पर मैं दूसरी वाली पतली वाली रस्सी लपेट दूंगी अभी। तो चलिए अब इसको हम नीचे इस तरह से इसको पुट करेंगे। तो जो जहाँ पे ये लगा था ऊपर, इसी के बिल्कुल नीचे हम इसको भी इस तरह बांधेंगे और इसी तरह उस तरफ भी इससे हम इधर बांध देंगे। तो चलिए देखिए, इन सबको भी नीचे से मैंने बांध दिया। ये थोड़ा सा टुकड़ा छोटा पड़ रहा था तो इसको मैंने ऊपर करके यहाँ पे बांध दिया। ये तो रस्सी दिखती भी रही, अगर आप काटना चाहें, अगर आपको लगे तो आप इसको काट सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छी लग रही है क्योंकि ये नेचुरल वे में इसी तरह से लगी हुई अच्छी लग रही है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं काटूंगी। और ये क्योंकि मैंने अपनी टेरेस पे बनाया और लगाना मुझे अभी बालकनी में है, तो अब मैं इसको उतार के और बालकनी में ले जाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से मैंने अपनी वाइन्स इस पे मैं चढ़ाती हूँ। तो आप बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको उतारते हैं और ले चलते हैं अपनी बालकनी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ऊपर से ले आई हूँ बालकनी में। जो मेरी वाइट वाली प्लेन दीवार थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मुझे लगता था कि इसके ऊपर मैं बड़ी सारी वाइन्स चढ़ाऊँ, तो मैं इसके ऊपर यहाँ तो मैं वर्टिकल गार्डनिंग करती, तो मुझे ये रस्सी वाला आइडिया ध्यान आया। तो देखिए मैंने ये वाली भी मेरी बेल है, राखी बेल जो है पैशन फ्लावर की, देखिए भी फ्लावर आने वाला है। और इधर से ये वाली भी चंद्रमुखी की बेल है, ये भी मैंने सारी इस पर ऊपर से, देखिए ऊपर मैंने डंडे के ऊपर उसको बांध के, और ये मेरी जो रस्सी है देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर तक किस तरह से मैंने बांध के और अपना पूरा वॉल को कवर करना चाहती हूँ मैं, ताकि मेरी वॉल भी ग्रीन लगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी सारी बेलें, क्योंकि मैं अभी साथ साथ में वीडियो शूट करती तो ये नहीं काम होता, इसलिए मैंने कहा पहले मैं कर लेती हूँ फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए ये नीचे वाला डंडा किस तरह से ये नीचे रह गया और ये आराम से इसके पूरा इसको वो कर रहा है और समेट रहा है। और ये देखिए ये सारी मैंने अपनी स्टेम्स जो थी बेल की, ये देखिए कितनी सारी बेल आ रही है और इसके ऊपर पर्पल कलर के फूल आते हैं, और जब आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए पूरी मैंने ऊपर चढ़ा ली। तो अब तो आपको पता चल गया होगा अगर आपके पास कोई वॉल खाली है तो आप किस तरह से उसके उस पर भी आप अपनी सारी वाइन्स चढ़ा सकते हैं बिना वर्टिकल, वो जो बॉक्स मिलते हैं ब्लैक ब्लैक वो लगाए बिना बेले, उसमें तो हमें कुछ कुछ प्लांट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन इस पर हम अपनी वाइन्स चढ़ा सकते हैं तो क्लाइम हो जाएंगी सारी वाइन्स। तो चलिए ओके, फिर मिलेंगे, ओके बाय।